हमारे बीच में काजल जी हैं, चिंटू पांडे जी हैं, राजकुमार आर पांडे जी, मैं चाहूंगा कि उनसे जरा बात करें तो मजा आएगा। प्रियेश के साथ हमने एक शो जज किया था, भौजी नंबर वन सीजन 7, मजा आया था उसमें। और बहुत हंसते हंसते आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। हाँ, मैं जब बहुत ज्यादा हंसता हूँ तो आंसू निकलने लगते हैं। वो सच्चे दिल वालों की ये पहचान है, मतलब वो अगर आप ज्यादा हंसे और आंसू आ गया तो समझना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर है दिल के अंदर जी। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से देख के मंच पे, जैसे आया वैसे देखा प्रियेश को बोलते हुए जी। तो प्रियेश जब बोलते हैं तो कुछ अच्छा ही बोलते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे प्रियेश सर के लिए। लेकिन ये बात तो अभी अधूरी रह गई ना जी, पूरी कीजिए। अभी तो सेटिंग शुरू हुई है मेरी। जी भैया, तो रवा से एक बात हम भोजपुरी में कहेंगे चाहें कि जब रवा फिल्में आजकल बना रहल बनी, फिल्म के दौर बदल गई बा, एक पूरा एक समय बदल गई बा, तो आज के दौर में जन भोजपुरी फिल्म बन रहल बा, एमे कितना मेहनत लाग रहल बा और कितना बजट लाग रहल बा? मेहनत तो पहले से ही बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेहनत तो उतना ही लगाना है, अच्छी फिल्म बनाओ चाहे ख़राब फिल्म बनाओ, फिल्म जैसे भी बनाओ मेहनत उतना ही लग जाता है जी। लेकिन अभी जो ये दौर है ये बहुत खूबसूरत दौर आया है, स्पेशली कोरोना के बाद, और जितनी भी फिल्में, जो भी निर्माता निर्देशक जितनी भी फिल्में बना रहे हैं वो सारी फिल्में बहुत अच्छी बना रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच प्लीज। और हमारे साथ में है यहाँ पे बेहद खूबसूरत काजल रघवानी जी, और काजल जी